नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चौबलक पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस एडमिट कार्ड 2020 के बारे में। जहां दोस्तों मात्र एक मिनट में आप अपने मोबाइल में किस प्रकार से इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, देते इस बारे में आपको पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल में क्रोम को ओपन करना है और गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है SSO और इसको ब्राउज कर लेना है। जैसे आप इसको ब्राउज करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का लिंक आएगा जो कि है आपके sso.rajasthan.gov.in। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इतना करते ही आपके सामने SSO की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम, उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है, उसके बाद एक कैप्चा दे रखा होगा, ये कैप्चा को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। इतना करते ही फ्रेंड्स आपकी SSO प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने को मिलता है रिक्वायरमेंट स्टेप टू का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको तीन तरह के सेक्शन देखने को मिलते हैं, एक माई एप्लीकेशन, एक नोटिफिकेशन और इसके बाद ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट। आपको इनमें से किसी पर भी क्लिक नहीं करना है। आपको फ्रेंड्स इसके ऊपर दे रखे माई रिक्वायरमेंट के बगल में यहाँ पर गेट एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कांस्टेबल 2019 और इसके सामने फ्रेंड्स आपका यहां पर रिक्वायरमेंट डेट, उसके बाद पेमेंट स्टेटस और उसके बाद यहां पर एक्शन बटन के नीचे गेट एडमिट कार्ड। सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने आपका एडमिट कार्ड यहां पर आपको शो हो जाएगा और उसी के साथ फ्रेंड्स यहां पर लेफ्ट साइड में आपको इसी PDF के ऊपर प्रिंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको PDF का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 3 lines पर क्लिक करके आपको अपना वह गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसमें आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको माई ड्राइव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप माई ड्राइव पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये जो बटन है सेव का वो नीला हो जाएगा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव के बटन पर क्लिक करेंगे ये PDF आपकी ड्राइव में सेव होने के लिए चली जाएगी। यहाँ से आपको रिज्यूम कर देना है। रिज्यूम करते ही ये अपलोडिंग होने लग जाएगा और ये PDF आपकी ड्राइव में अपलोड हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आपको उस ड्राइव को ओपन करना है और ड्राइव पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी ड्राइव ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 3 dots पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते ही ये PDF आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से बड़े ही आसान तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं मात्र एक मिनट में। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और उसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राजस्थान पुलिस परीक्षा के प्रत्येक पारी के पेपर के 1 घंटे पश्चात आपको उस पेपर का सॉल्यूशन इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।